दोस्तों पांडे जी टेक्निकल के एक फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है और साथ ही साथ फिफ्थ राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। ठीक है, तो दो बातें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानना है। पहला तो स्पॉट काउंसलिंग के बारे में जानना है। स्पॉट काउंसलिंग के बारे में जानना मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग में 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख बच्चे रैंक तक के बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और यदि इतना ज़्यादा रैंक के बच्चों का एडमिशन हो जाता है, यह इसलिए होता है क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग जो होती है सबसे अंतिम राउंड की काउंसलिंग होती है और उसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होती। और उसमें दरअसल बात यह होती है कि जिस भी कॉलेज के जिस भी ब्रांच में जितनी सीटें खाली होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, अंतिम अंतिम तक जाते जाते 10-15, 5-10, 5-10 इस तरीके से कर करके और सभी ब्रांचेस में कुछ ना कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। और गवर्नमेंट का दोस्त मैं बता दूँ कि साफ तौर पर यही नियम है कि किसी भी स्थिति में आप लोगों को सरकारी कॉलेजों के सीट को खाली नहीं छोड़ना है। तो जिसके लिए दोस्त स्पॉट काउंसलिंग होती है, इसका फ़ायदा काफ़ी स्टूडेंट्स को मिलता है। यदि वह कॉलेज में स्पॉट काउंसलिंग से में पहुंच जाते हैं तो 1,80,000-90,000 इतने ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट्स का भी आराम से एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार दोस्तों 1-1 लाख रैंक वाले बच्चों का भी एडमिशन हुआ है। 95,000-96,000 जितने रैंक वाले बच्चे थे वो उतने सभी लोगों का एडमिशन हो चुका। मैं आपको बता देता हूँ स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से। ठीक है, तो स्पॉट काउंसलिंग दरअसल इस तरीके से होती थी पहले कि कॉलेज में नोटिस निकलता था, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया में, इस तरीके से सारे कॉलेजों में आपकी नोटिस निकल जाएगी कि आप लोगों की कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, उसके विरुद्ध में स्पॉट काउंसलिंग के लिए अलग से फॉर्म मिलता है और उस फॉर्म को भर देने के बाद उसके बाद वहीं पर मेरिट तैयार होकर के और लिस्ट लग जाती है। ठीक है, इस तरीके से स्पॉट काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन अब आपको बता देता हूँ कि इस बार स्पॉट काउंसलिंग का प्रोसेस उस तरीके से नहीं होने वाला है। जैसे आप लोगों की वैकेंट सीट की लिस्ट निकली थी ना दोस्तों राउंड 5 में, ठीक है, राउंड 5 में जैसे वैकेंट सीट की सीट निकली थी, लिस्ट निकली थी, उसी तरीके से बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है कि इस तरीके से स्पॉट काउंसलिंग के लिए भी एक लिस्ट निकलेगी जिसमें से आप लोगों को पता चल जाएगा कि अंतिम राउंड तक आप लोगों का किस तरीके से कितनी सीटें खाली रहने वाली हैं और उसके पश्चात कितने लोगों का एडमिशन होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ फिफ्थ राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, फिफ्थ राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड मैं बता दूँ कि आज रिजल्ट हो सकता है तो आ जाए, देर शाम तक आए नहीं तो दोपहर में भी आ सकता है रिजल्ट। तो फिफ्थ राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जितने लोगों को मैं बता दूं, जितने लोग हमारे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं, यदि उन लोगों को किसी सिलेबस के बारे में जानकारी लेनी है या फिर पॉलिटेक्निक के बारे में जानकारी लेनी है तो वो polytechnicwalepandeji.com सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स को यहां पर कॉलेज में मिल जाने वाले हैं आज, क्योंकि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में हमने देखा था कि फोर्थ राउंड के काउंसलिंग के उपरांत आप लोग सभी लोगों को कॉलेज अलॉट हो गए थे। ठीक है, काफी लोगों को कॉलेज अलॉट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ राउंड में अभी भी कॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट को अलॉट नहीं हुए हैं। आज फोर्थ राउंड का आ जाएगा, उसके पश्चात जो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा या फिर फिफ्थ राउंड तक भी जितने लोगों को कॉलेज नहीं मिला होगा उतने लोगों के लिए सिक्स राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया आप लोगों की जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। ये सारी चीज़ें आप लोग के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो वहाँ पर भी हम सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर करते रहते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।